Hello traders, welcome to Aliceblue. This is Dipen Gogoi. Today we'll discuss about the bank Nifty, pivot point, support or resistance, and the market trend and the market range, and we'll discuss about the bank Nifty in intraday, what's going to be happen and what type of pattern is forming. Everything we will discuss. तो ये देख सकते हैं 4 आवर चार्ट लिया मैंने ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट 26395 एंड द फर्स्ट रेजिस्टेंस 26522 एंड द सेकंड रेजिस्टेंस 26617 एंड द थर्ड रेजिस्टेंस 26744 एंड द फर्स्ट सपोर्ट 26300 एंड द सेकंड सपोर्ट 26174 एंड द थर्ड सपोर्ट 26079 तो और ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी ये डेली चार्ट टू डेली चार्ट में तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं ये हायर हाई बना के जा रहा है जैसे हायर लो हायर हाई हायर हाई हायर लो तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट हायर हाई बना सकता है लेकिन हायर हाई कहां तक बना पाएंगे तो इसलिए हमने एक पॉइंट को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे हम एक रेजिस्टेंस लाइन डाल सकते हैं अब देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन के लिए एक हायर पॉइंट था नेक्स्ट ये हायर 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 और बार-बार टेस्ट किया था यहां पे तो यहां पे देख सकते हैं बहुत बार एक कनेक्ट हुआ था राइट तो यहां से लेके हम एक क्या करेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे यहां पे तो रेजिस्टेंस के लिए हमने जैसे ये एक रेजिस्टेंस के लिए हमने एक लाइन ड्रा कर दिया ठीक है तो जो लाइन कनेक्ट करके एक लाइन ड्रा कर दिया तो हमें क्या मिला एक रेजिस्टेंस लाइन तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन कहां रहेगा आप देख सकते हैं ये 26714 में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन तो मुझे लगता है ये जो हायर हाई पैटर्न फॉर्म करके जा रहा है तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन यहां पे आ सकता है 26700 के आसपास जो जोन होता है वहां पे आ सकता है ठीक है तो ये हो गया डेली चार्ट में तो हम देखेंगे अभी 4 आवर चार्ट में तो 4 आवर चार्ट में ये क्या फॉर्म कर रहा है तो 4 आवर और यहां पे एक चीज आप देख तक चीज आप देख सकते हैं यहां पे तो यहां पे 204 डेली में 100 मूविंग एवरेज सो आप देख सकते हैं ये 100 मूविंग एवरेज है एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है 4 आवर में ये 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है राइट तो ये आपको पहले आप ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसको ब्रेकआउट करने के लिए देना चाहिए क्योंकि अगर यहां से फ्यूचर मार्केट आ सकता है क्योंकि यहां पे आप एक बार देख सकते हैं ये जो 20 मूविंग एवरेज मैंने लिया ये 20 मूविंग एवरेज राइट 20 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग जोन बना के जा रहा है जैसे ये सपोर्टिंग इसको बोलते हैं बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ठीक है तो आप देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज से फर्स्ट बाउंस हुआ सेकंड बाउंस कहां से हुआ 20 मूविंग एवरेज और ये 150 मूविंग एवरेज जो रेड कलर 150 मूविंग एवरेज ये स्ट्रांग सपोर्ट टू ये बाय हमें यहां पे बाय मिला था राइट और मुझे लगता है ये अगर ब्रेक हो के ये 20 मूविंग एवरेज इससे आएगा फिर से ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर से बाउंस होगा क्योंकि जब एक मूविंग एवरेज एक बार बाउंस होता है फॉलो अप करके जाता है तो उसको ये सपोर्टिंग लेवल बना के कंटीन्यूअस जाता रहता है तो इसलिए मुझे लगता है ये फिर से अगर आ गया अगर 2 ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे लगता है 26700 के आसपास तो मार्केट चला जाएगा लेकिन ये गया नहीं तो फिर से जो 20 मूविंग एवरेज है उसका आसपास बाउंस होके फिर से आ जाएगा और फिर से ऊपर वहां से जाएगा तो ये हो गया 4 आवर के लिए हम देखेंगे अभी 15 मिनट में क्या हो रहा है तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं आज मार्केट गैप अप डाउन गैप अप ओपन हुआ है तो जैसे 15 मिनट में ये क्या हो रहा है 200 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज एक्चुअली 200 नहीं ये 300 मूविंग एवरेज से बाउंस हो रहा है फिर भी 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ये मार्केट बाउंस हो रहा है तो 200 से ही है फिर से मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है राइट तो हम देखेंगे अभी 5 मिनट में आपको एंट्री कहां करना है कैसे करना है यहां पे तो आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी ऊपर में गया हुआ है तो अभी अगर ये कंटीन्यूअस रैली हो गया तो ऊपर
2600 तक 26700 तक मार्केट जाने का चांसेस है। अगर मार्केट नीचे आ गया तो फिर से मुझे लगता है ये कहां से बाउंस हुआ है 5 मिनट में, आप देख सकते हैं 5 मिनट में ये 100 मूविंग एवरेज, राइट, 100 मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है, तो मुझे लगता है फ्यूचर मार्केट यहां से 100 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है। तो 100 मूविंग एवरेज में फिर से आप बाय ले सकते हैं, जैसे यहां पे बाउंस हुआ, फर्स्ट बाउंस मिला हमें, तो नेक्स्ट 100 मूविंग एवरेज के आसपास जब आएगा मार्केट आप फिर से बाय में जा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।